नमस्कार। साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक की शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मार्शल आर्ट के चार स्वदेशी स्वरूप को किया गया शामिल। भारत ने तैयार किया आर्कटिक नीति का नया मसौदा। वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार द्वारा हरित कर लगाने का प्रस्ताव। उच्चतम न्यायालय द्वारा ऋण शोधन एवं दिवालियापन संहिता की धारा 32A की संवैधानिक वैधता को रखा गया बरकरार। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए फिर से शुरू की वित्तीय सहायता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा सुंदरबन से संबंधित प्रतिवेदन का किया गया प्रकाशन। ऑक्सफैम रिपोर्ट की असमानता संबंधी अध्ययन में भारत की स्थिति नहीं बताई गई बेहतर। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किया जारी। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा मार्शल आर्ट के चार स्वरूपों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। ये चार स्वरूप हैं केरल का कलारीपयट्टू, मध्य भारत का मल्लखंब, पंजाब का गदका तथा मणिपुर का थांगता। आइए एक नजर डालते हैं इन चार स्वरूपों पर। सबसे पहले मल्लखंब पर। यह जिम्नास्टिक का एक पारंपरिक स्वरूप है जिसे लकड़ी के खंभे, एक बेंत अथवा रस्सी के साथ प्रदर्शित किया जाता है। मल्लखंब को 1981 से ही एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 2013 में मल्लखंब को राज्य खेल घोषित कर दिया था। गदका, इसका विकास 15वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में हुआ। लकड़ी की लाठियों से लड़ी जाने वाली यह युद्ध कला की एक शैली है। इसमें प्रदर्शन के दो प्रकार होते हैं, अनुष्ठानिक एवं खेल। अनुष्ठानिक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकर्ता बाना और चोला धारण करते हैं, जबकि खेल के रूप में प्रदर्शन के दौरान खिलाड़ी सामान्यतः पाजामा और शर्ट पहनते हैं। बात करते हैं थांगता की। यह मणिपुरी कला का एक स्वरूप है। यह अनुष्ठान, प्रदर्शन और युद्ध कला का संयोजन है और इसमें विभिन्न प्रकार के नृत्य और युद्ध अभ्यास शामिल होते हैं। आगे कलारीपयट्टू, यह एक मार्शल आर्ट है। इसकी उत्पत्ति केरल में 3rd शताब्दी ईसा पूर्व से 2rd शताब्दी ईस्वी के बीच हुई थी। कलारी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। संगम साहित्य में कलारी शब्द का प्रयोग युद्ध के मैदान के लिए किया गया है। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2018 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 17 वर्ष तथा 21 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं के लिए खेल संबंधी बहुविषयक कार्यक्रम को प्रस्तुत करना है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसके अंतर्गत इन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की तैयारी के लिए 8 वर्ष तक 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की। हाल ही में भारत ने आर्कटिक नीति का एक नया मसौदा तैयार किया है। आर्कटिक नीति से संबंधित इस मसौदे का उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, खनिज तेल एवं गैस की खोज को तेज करना, परिवहन एवं कनेक्टिविटी का विस्तार करना और राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण। अगर नई नीति की विशेषताओं की हम बात करें तो नई नीति में आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और खनिज तेल एवं गैस की खोज का विस्तार करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। नीति में आर्कटिक क्षेत्र में सतत पर्यटन की व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। नीति के मसौदे में आर्कटिक और भारतीय मानसून के मध्य वैज्ञानिक और जलवायु संबंधी संपर्क की बेहतर समझ को विकसित करने की बात की गई है। नीति में ध्रुवीय अनुसंधान एवं हिमालय से संबंधित अध्ययन के बीच सामंजस्य स्थापित करने को भी शामिल किया गया है। नीति में आर्कटिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों के लिए आवश्यक अन्वेषण और आर्कटिक क्षेत्र में अवसंरचनाओं के विकास के लिए आवश्यक निवेश के अवसरों की पहचान पर बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत कनाडा, डेनमार्क का ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस, अमेरिका का अलास्का,
फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। इन देशों ने मिलकर वर्ष 1996 में आर्कटिक परिषद का गठन किया, जिसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का साझा समाधान प्रस्तुत करना है। भारत सहित विश्व के कुल 13 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत ने आर्कटिक में अनुसंधान कार्य के लिए हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। अगली खबर हरित कर से संबंधित। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ग्रीन टैक्स लगाए जाने हेतु प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ग्रीन टैक्स को लगाए जाने का उद्देश्य है प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को रोकने और देश में प्रदूषण की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ग्रीन टैक्स से संबंधित जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसके अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय 8 साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर रोड टैक्स के 10-25% की दर से ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहन के संबंध में 15 वर्षों के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाया जाए। सिटी बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाए। वैसे शहर जो अत्यधिक प्रदूषित हैं में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स वसूला जाए। ईंधन चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल और वाहनों के प्रकार के आधार पर अलग अलग ग्रीन टैक्स का निर्धारण किया जाए। ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाए जिसका उपयोग प्रदूषण से निपटने व उत्सर्जन निगरानी के लिए राज्यों में अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जाए। हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधनों जैसे CNG, एथेनॉल, LPG आदि से चलने वाले वाहनों को इससे बाहर रखा जाए। साथ ही खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाए। पर्यावरणविद ग्रीन टैक्स लगाने के इस प्रस्ताव को उचित मानते हैं, जिसका कारण है कि आंकड़ों के अनुसार वाणिज्यिक वाहन जो कि कुल वाहनों का लगभग 5% है, कुल प्रदूषण के लगभग 65-70% के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन टैक्स लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करेगा और इससे फेम योजना, फेम मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। परंतु सकारात्मक पक्षों के साथ साथ इस प्रस्ताव की आलोचना भी हो रही है। इसका कारण है कि सार्वजनिक परिवहन पर अतिरिक्त कर लगाने से इसका बोझ आम लोगों पर पड़ेगा, हरित कर वाहन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाएगा, हरित कर से परिवहन की लागत में वृद्धि होगी जो मुद्रा स्फीति को बढ़ा सकता है। इस खबर को हम यही समाप्त करते हैं, पुनः बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड या ऋण शोधन एवं दिवालियापन संहिता से। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ऋण शोधन एवं दिवालियापन संहिता की धारा 32A सहित विभिन्न धाराओं की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 32A में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायिक प्राधिकरण द्वारा किसी कंपनी के लिए समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद कंपनी के पहले की देनदारी के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। समाधान योजना के अंतर्गत बैंक ऋण प्राप्तकर्ता के ऋण चुकाने की मोहलत प्रदान करता है। यह मोहलत ऋण प्राप्तकर्ता को उसकी वित्तीय स्थिति के कारण दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से विवादित और कर्जे में डूबी कंपनियों और उनकी संपत्ति पर बोलीदाता विश्वास के साथ बोली लगाएंगे। इससे कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया का निपटान सही समय पर होगा, साथ ही कंपनी को उनकी परिसंपत्ति पर सही मूल्य की प्राप्ति होगी। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय बैंकों को अपने खातों से खराब ऋणों को हटाने में सहायता करेगा। अगर बात करें ऋण शोधन एवं दिवालियापन संहिता की, तो इसे संसद द्वारा 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यक्तियों और निगमों दोनों के लिए दिवालिया प्रक्रिया को सरल बनाता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 लाने तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का NPA चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुका था। इन चिंताओं को दूर करने के लिए यह कानून बनाया गया।
और इसे लागू करके इसके अंतर्गत कार्रवाई भी की गई। ऋण शोधन एवं दिवालियापन संहिता एक निश्चित समय में दिवाला और शोधन समाधान प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन को फिर से सहायता देने से संबंधित। अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए फिर से वित्तीय सहायता शुरू कर दी है। हमें यह पता है कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर चीन केंद्रित होने का आरोप लगाया था। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए अमेरिका द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता को स्थगित कर दिया था। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका WHO के लिए सबसे बड़ा योगदान करता है। उसके बाद जिन देशों का स्थान आता है वे देश हैं क्रमशः चाइना, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और ब्राजील। अब एक नजर डालते हैं WHO के वित्त पोषण पर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को चार प्रकार से वित्त प्राप्त होता है। पहला निर्धारित योगदान, दूसरा स्वैच्छिक योगदान, तीसरा कोर स्वैच्छिक योगदान, चौथा इन्फ्लुएंजा महामारी से निपटने हेतु योगदान। अगर बात करें निर्धारित योगदान की तो इसके अंतर्गत संगठन के प्रत्येक सदस्य को सदस्यता राशि के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। इस निश्चित राशि की गणना देश के धन और जनसंख्या के सापेक्ष की जाती है। रही बात स्वैच्छिक योगदान की, इसके अंतर्गत सदस्य देशों तथा अन्य भागीदारों से अनुदान प्राप्त किया जाता है। तीसरा योगदान कोर स्वैच्छिक योगदान, इसके तहत उन वित्त पोषित कार्यक्रमों को वित्त की कमी के कारण बाधित होने पर सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फंडिंग की जाती है। चौथा इन्फ्लुएंजा महामारी से निपटने हेतु योगदान, इसे 2011 से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य संभावित महामारी के दौरान विकासशील देशों की वैक्सीन तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। हाल ही में कलकत्ता स्थित भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा सुंदरबन से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया। सुंदरबन जैवमंडल रिजर्व के पक्षी शीर्षक वाला यह प्रतिवेदन सुंदरबन के पक्षी जगत का विवरण देता है। यह प्रतिवेदन इस क्षेत्र की सभी प्रजातियों के लिए विस्तृत विवरण और स्थानीयता संबंधी आंकड़ों सहित एक व्यापक फोटोग्राफिक फील्ड गाइड के रूप में भी कार्य करता है। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या है। सुंदरबन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का एक भाग है। यह पक्षियों की 428 प्रजातियों का वास स्थल है। देश में पाए जाने वाले प्रत्येक 3 में से एक पक्षी सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। नकाबपोश फिनफुट तथा बफी फिश आउल जैसे कुछ पक्षी केवल सुंदरबन में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र देश में पाई जाने वाले किंगफिशर की 12 प्रजातियों में से 9 प्रजातियों के साथ साथ गोलियत बगुला तथा चम्मच जैसी चोंच वाली टिटहरी जैसी दुर्लभ प्रजातियों का वास स्थल है। अगर बात करें सुंदरबन की तो सुंदरबन 10,000 वर्ग किलोमीटर की वह दलदली भूमि है जो बांग्लादेश और भारत दोनों में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। यह यूनेस्को का एक धरोहर स्थल भी है। सुंदरबन भारत का 27वां रामसर साइट है जो देश की सर्वाधिक बड़ी सुरक्षित आर्द्रभूमि है। रामसर साइट रामसर आर्द्रभूमि समझौते से संबंधित है। इसे 1971 में ईरान के शहर रामसर में स्वीकार किया गया था। देखते हैं अगली खबर। हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा असमानता से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। ऑक्सफैम की असमानता वायरस रिपोर्ट नाम के इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि COVID-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर असमानताओं में अत्यधिक वृद्धि की है। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में भारत की असमानता स्थिति के संबंध में क्या बातें कही गई। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान
भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 35% की वृद्धि हुई। इस वृद्धि के साथ भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति लगभग 423 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। भारतीय अरबपति अपनी संपत्ति के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद विश्व में छठी रैंकिंग पर आ गए हैं। भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना महामारी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग 75% रोजगार समाप्त हो गए। ऑक्सफोर्म रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में महिलाओं में बेरोजगारी की दर जो कोविड-19 से पूर्व के 15% पर थी, वह अब बढ़कर 18% हो गई है। महामारी ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा दिया है। घरेलू हिंसा के मामले में नवंबर 2020 तक लगभग 60% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र में मौजूद असमानता को भी सामने लाया गया। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के समय जैसे जैसे शिक्षा को ऑनलाइन किया गया, वैसे वैसे भारत ने डिजिटल डिवाइड को देखा। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया कि कोरोना काल में भारत के सबसे गरीब 20% परिवारों में से केवल 3% के पास कंप्यूटर और सिर्फ 9% के पास इंटरनेट तक पहुंच थी। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से आबादी का वह भाग ज्यादा संक्रमित हुआ जो शौचालय एवं पानी के स्रोतों को साझा करते हैं। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि भारत के शीर्ष 20% परिवारों के 93% की तुलना में केवल 20% गरीब परिवारों में से 6% परिवारों की बेहतर व्यक्तिगत स्वच्छता स्रोतों तक पहुंच थी। अब एक नजर डालते हैं ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन वर्ष 1995 में किया गया। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का सचिवालय नैरोबी में है। ऑक्सफैम नाम अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड सहायता समिति यानी ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमिन रिलीफ से लिया गया है। अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड सहायता समिति की स्थापना वर्ष 1942 में ब्रिटेन में की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली और अंतिम खबर की ओर। अब बढ़ते हैं अंतिम खबर की ओर जो संबंधित है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 से। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को जारी किया। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है संकट के समय में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा बेहतर तैयारी को सक्षम करना। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को विभिन्न देशों के 650 से अधिक सदस्यों से वैश्विक जोखिम पर प्राप्त किए गए विचारों पर तैयार किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं रिपोर्ट की प्रमुख बातों पर। रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने लाइक्लीहुड और इंपैक्ट के आधार पर व्यक्तिगत वैश्विक जोखिमों का आकलन किया। लाइक्लीहुड द्वारा शीर्ष 3 जोखिम जिसके अगले 10 वर्षों में होने की संभावना है के अंतर्गत हैं कठोर मौसम, जलवायु कार्रवाई विफलता और मानव पर्यावरण क्षति। इंपैक्ट द्वारा शीर्ष 3 जोखिम जिसके प्रभाव की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है के अंतर्गत हैं संक्रामक रोग, जलवायु क्रिया विफलता और सामूहिक विनाश। 2020 में सबसे गंभीर खतरों की सूची में संक्रामक रोगों को 10वें स्थान पर रखा गया था। कोविड-19 ने दुनिया के सबसे गरीब हिस्सों में जीवन के व्यापक नुकसान और आर्थिक विकास में देरी दोनों को नुकसान पहुंचाई है जिससे दुनिया भर में संपत्ति और समानताओं में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन और इसके कारण प्रतिबंध की वजह से भले ही कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आई है लेकिन जैसे ही कोरोना के बाद जिंदगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी तब कार्बन उत्सर्जन एक बार फिर से बढ़ने लगेगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 से 10 सालों में भू राजनीतिक स्थिरता गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी। यदि इस रिपोर्ट की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो पूरी दुनिया को अरबों रुपए का नुकसान होगा। इसका मतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार फिर से खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में वैश्विक महामारी, आर्थिक मंदी, राजनीतिक उथल पुथल और जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए समस्या बन सकते हैं।
आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी वैश्विक संस्था है जिसका गठन 1971 में हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके साथ ही साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।